हेलो फ्रेंड्स, वर्ब प्लस आउट इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब ये है कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिसके अंत में यदि आउट आ जाए तो वो फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं, और फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग अक्सर मेन वर्ब से अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कि वो कौन सी वर्ब है जिसके साथ यदि आउट आ जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है और उनके क्या मीनिंग होते हैं। रन आउट, रन आउट का मीनिंग होता है किसी वस्तु का खत्म हो जाना। आई रियली वॉन्टेड टू हैव अ कप ऑफ टी बट वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क एंड आई कांट हैव ब्लैक टी। मैं सचमुच एक कप चाय पीना चाहता था पर हमारा दूध खत्म हो गया है और मैं काली चाय नहीं पी सकता हूं। कम आउट का मीनिंग होता है दोस्तों किसी वस्तु का पहली बार बाजार में बिकने के लिए आना। अनिल शेरिस लेटेस्ट बुक केम आउट जस्ट बिफोर दिवाली। अनिल शेरिस लेटेस्ट बुक केम आउट जस्ट बिफोर दिवाली। अनिल शेरी की सबसे नई किताब दिवाली से कुछ पहले बिकने के लिए बाजार में आई। फाइंड आउट, फाइंड आउट का मीनिंग होता है दोस्तों कुछ पता चलना या पता लगाना जो आपको पहले नहीं पता था। सर्च अनिल शेरी ऑन गूगल और अमेजन एंड फाइंड आउट अबाउट द बुक्स ही हैज रिटन। गूगल पर या अमेजन पर अनिल शेरी सर्च करें और पता लगाएं उन किताबों के बारे में जो उन्होंने लिखी हैं। स्टैंड आउट, स्टैंड आउट का मीनिंग होता है आसानी से नजर में आना। शी इज रिसेंटली डाइड हर हेयर ब्राउन एंड नाउ स्टैंड आउट इन अ क्राउड। उसने हाल ही में अपने बाल भूरे किए हैं और अब आसानी से भीड़ में नजर आ जाती है। पास आउट, पास आउट का मीनिंग होता है दोस्तों बेहोश होना। आई फेल्ट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड थॉट आई वॉज गोइंग टू पास आउट। मुझे सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई और लगा मैं बेहोश होने वाला था। टर्न आउट, टर्न आउट का मीनिंग होता है दोस्तों कोई बात, कोई वस्तु या व्यक्ति के बारे में पता चलना कि वह क्या है या कैसा है। आई थॉट शी गिफ्टेड मी द रियल पेंटिंग बट इट टर्न आउट टू बी अ फेक। मैंने सोचा उसने मुझे वास्तविक पेंटिंग गिफ्ट में दी पर बाद में वह नकली निकली। डाई आउट, डाई आउट का मीनिंग होता है दोस्तों धीरे धीरे करके किसी चीज का पूरी तरह से खत्म हो जाना। अनलेस समथिंग इज डन सून बॉलीवुड विल डाई आउट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अनलेस समथिंग इज डन सून बॉलीवुड विल डाई आउट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यदि जल्द ही कुछ नहीं किया गया बॉलीवुड अगले 10 सालों में धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मीनिंग होता है दोस्तों अचानक से कुछ शुरू होना और तेजी से फैलना, और इसका इस्तेमाल अक्सर युद्ध, महामारी या आग के लिए किया जाता है। द कोरोना वायरस बिकेम नोन अक्रॉस द ग्लोब व्हेन एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द बिगिनिंग ऑफ 2020। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया जब 2020 के शुरुआत में एक महामारी अचानक से शुरू हुई और तेजी से फैली। हैंड आउट, हैंड आउट का मीनिंग होता है दोस्तों किसी समूह में कई लोगों को कुछ बांटना। द टीचर आस्क्ड मी टू हैंड आउट द क्वेश्चन पेपर्स। अध्यापक ने मुझे प्रश्न पत्र बांटने के लिए कहा। ट्राई समथिंग आउट, ट्राई समथिंग आउट इसका मीनिंग होता है दोस्तों किसी चीज की जांच कर लेना उसको इस्तेमाल करके कि वह ठीक से काम करती है या नहीं, या वह उस लायक है या नहीं जिस उद्देश्य से आप उसे लेना चाहते हैं। यू नीड टू ट्राई द ऐप आउट बिफोर यू बाय इट्स सब्सक्रिप्शन। यू नीड टू ट्राई द ऐप आउट बिफोर यू बाय इट्स सब्सक्रिप्शन। आपको ऐप का इस्तेमाल करके देख लेना चाहिए उसका सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले। पुट आउट, पुट आउट का दोस्तों मीनिंग होता है
आग बुझा देना या लाइट बंद कर देना। Firefighters are trained to put out gruesome fire. Firefighters are trained to put out gruesome fire. दोस्तों gruesome का मीनिंग होता है भीषण या भयंकर। Firefighter भीषण आग बुझाने में प्रशिक्षित होते हैं। Please put out all lights. कृपया सारी बत्तियां बुझा दें। That's all friends for today. I hope you have enjoyed today's class and learned a lot. Please like this video and share it with as many people as you can. Thanks friends for watching this video. Bye friends.